हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस नई वीडियो में आप सभी को बताएंगे कि यदि आपका राशन कार्ड खो गया है या आपका राशन कार्ड नहीं मिल रहा है तो आप घर बैठे सिर्फ राशन नंबर से नया राशन कार्ड कैसे निकाल सकते हैं। यदि आपके पास राशन नंबर भी नहीं है, आपको राशन नंबर याद नहीं है, तो आप उस स्थिति में अपना नया राशन कार्ड कैसे निकाल सकते हैं, आज हम दोनों तरीके से आप लोगों को लाइव प्रोसेस करके बताने वाला हूं कि अपना राशन कार्ड घर बैठे कैसे निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, नीचे दिए गए लाल बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल का बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना, उसके बाद आपको इस वेबसाइट में आ जाना। इसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए। उसके बाद आपको यहाँ पे yaha.jharkhand.gov.in में आ जाना है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले हम विदाउट राशन नंबर से आपका राशन कार्ड निकाल के बताते हैं। सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पे ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है। जिस भी ब्लॉक से आप आते हैं उस ब्लॉक को आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप विलेज से भी आप अपना राशन कार्ड निकाल सकते हैं या डीलर के नाम से भी अपना राशन कार्ड निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे विलेज हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका विलेज है उस विलेज को आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कार्ड टाइप में PH है या AAY या वाइट, आपको आपका जो भी कार्ड है उस कार्ड को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। हम यहाँ पे अंत्योदय कार्ड को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे कैप्चा कोड आपको डाल देना है। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है, ब्लॉक दिख रहा है, विलेज दिख रहा है। इस विलेज में जितने भी सारे लोगों का कार्ड बना हुआ है उसका यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, तो आपका भी इसी में से कहीं पर भी आपका भी राशन कार्ड यहाँ पे शो कर रहा होगा। आपको सबसे पहले अपना नाम देख लेना है, नाम को चेक कर लेना है। जिस भी नाम से आपका राशन कार्ड है उस नाम को आपको चेक करना है। और यहाँ पे कार्ड टाइप, यहाँ पे फैमिली कार्ड, यानी सारा चीज़ यहाँ पे डिटेल में दिया गया है, प्लस में डीलर और आपका कार्ड न्यू है, जो भी है आपका डिटेल यहाँ पे सारा चीज़ दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जो भी आपका नाम है उस नाम को पहले आप देख लें, या कंट्रोल ऐप से फाइंड कर सकते हो। उसके बगल में आप यहाँ पे देख सकते हो राशन नंबर सबका दिखा हुआ है। इस राशन नंबर को आपको कॉपी कर लेना, राशन नंबर को कॉपी कर लें। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि अपना राशन कार्ड आप कैसे निकाल सकते हैं राशन नंबर से। तो हम इसी वेबसाइट में बैक चले जाते हैं। उसके बाद फिर से हम इस वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे आपको यहाँ पे डालना है डिस्ट्रिक्ट डालना है, उसके बाद आपको ब्लॉक डालना है, उसके बाद आपको यहाँ पे विलेज, डीलर, ये सब कुछ भी सिलेक्ट करना है। सिर्फ कार्ड टाइप आपको सेलेक्ट कर देना है और उसके बाद आपको जो भी आपका राशन कार्ड है उस नंबर को आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा सिर्फ डाल देना है, उसके बाद आपको नीचे सबमिट कर देना है। सबमिट कर देने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका राशन कार्ड यहाँ पे निकल चुका। आप इसको प्रिंट भी करा सकते हैं, यहाँ से आप इसका स्क्रॉल करके आप नीचे पूरा डिटेल देख सकते हैं। और यहाँ से आप प्रिंट का ऑप्शन भी दिया हुआ, इस प्रिंट के माध्यम से प्रिंट भी कर सकते हैं और अपने पास एक कॉपी आप रख सकते हैं। आप यहाँ पे सेव भी कर सकते हैं या आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। यदि इस वीडियो से रिलेटेड आपको किसी भी तरह का प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।